स्वागत है आपका सामना लाइव न्यूज चैनल में। देखेंगे आज की हेडलाइंस। कांग्रेस विधायक ने लगाया मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप। देसी शराब दुकान बस स्टैंड से हटाए जाने के लिए विरोध में सौंपा ज्ञापन। इंडियन गैस एजेंसी के चौकीदार के साथ की गई मारपीट। अधिकारियों की निगरानी में उपार्जन केंद्र पर हो रही है गेहूँ खरीदी। अब खबरें विस्तार से। छतरपुर जिले के महाराजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित ने नौगांव में 6 टैंकर ग्राम पंचायत को आवंटित किए। साथ ही कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए आरोप लगाते हुए कहा, शिवराज सिंह चौहान बीजेपी और कांग्रेस विधायकों में मतभेद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान अपने विधायकों को सिर्फ भाजपा के विधायकों के मुख्यमंत्री समझते हैं। उन्होंने सिर्फ बीजेपी विधायकों की लॉकडाउन में फंसे लोगों की वापसी के लिए बसों की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने सिर्फ बीजेपी विधायकों की से जो हमारे यहाँ के प्रदेश के अपने यहाँ के विधानसभा के जो भी मजदूर या पढ़ने वाले हमारे छात्र जो भी बाहर फंसे हैं, उसके लिए हम पहले भी अपने यहाँ के कलेक्टर और माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले भी लिख के दे चुके हैं। और जो फोन है, जो जानकारियों से नाम हमें मिलते हैं, उनको हम तत्काल कलेक्टर में हम लेटर में लिख के जमा कराते हैं। आज तक की स्थिति में हम 2000 के ऊपर नाम वहाँ दे चुके हैं। लेकिन कुछ विधायक जी मानपुरा के कुछ रहवासियों के मजदूरों के हमारे पास कॉल आ रहे हैं, पर्सनली कॉल आ रहे हैं कि उनको वो अगर ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। हमें कल ही पूरी जानकारी मिली थी जी। कल हमने लेटर पैड पर लिख के स्वयं हम कलेक्ट्रेट गए थे, हमने जमा किए। लेकिन जैसे विधायक जी दूसरे एक छतरपुर जिले के चंदा विधायक हैं, उन्होंने बस पहुंचाई हैं भोपाल में अपने जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं, तो क्या आपके द्वारा सारी कोई बसें इंदौर भोपाल के अपने हमने बस नहीं पहुँचाई है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पार्टी के विधायकों का और कांग्रेस में मतभेदी कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी केवल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अपने आप को केवल भाजपा के विधायकों का मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, उनकी मदद की है। निवेदन करूंगा कि जो मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनके लिए यहाँ काम खोले जाएं, नहीं तो यहाँ सबसे बड़ी स्थिति भुखमरी की आज से महीने दो महीने बाद देखने को मिलेगी। अध्यक्ष श्रीमती माया राजेश शर्मा और उपाध्यक्ष श्रीमती स्नेहा इंद्रा इंद्रेश जाटा द्वारा थाना परिसर पहुंचकर सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करते हुए थाना प्रभारी एसआई श्री दीपक प्रताप सिंह यादव के माध्यम से छतरपुर कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कलेक्टर से नगर सटाई के बस स्टैंड तिराहे पर जो देसी शराब दुकान खोली गई है जिसको हटाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि देसी शराब दुकान बीच बस स्टैंड पर खुल जाने से हम महिलाओं का रास्ते में गुजरना मुश्किल हो जाएगा, साथ ही दुकानों से दारू पीकर लड़ना मारपीट आम बात होगी, जिससे व्यापारी वर्ग में भी आक्रोश व्यक्त है। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, शराब की दुकान नहीं खोली जाए, 2 किलोमीटर से जहाँ चाहे खोल लो, हमारे निवेदन कर रहे हैं। और नंदर हम सब वतन का जोर से लिया है। अभी देशी शराब दुकान का नया जिला यहाँ पे संचालित हुआ है, नई प्रतिदार को टीका प्राप्त हुआ है, इसके बाद पूर्व स्थान से हटकर उन्होंने बस स्टैंड पर अपनी दुकान खुली देशी शराब की, जिसके संबंध में लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है और कलेक्टर के श्रीमान कलेक्टर महोदय के ग्राम पंचायत चरी में गुंडागर्दी चरम सीमा पर इंडियन गैस एजेंसी के चौकीदार के साथ की गई मारपीट और गोदाम में आग लगाने की कोशिश। जिले के जनपद पंचायत पलेरा अंतर्गत आने वाली ग्राम चरी में मां गायत्री इंडियन गैस एजेंसी के चौकीदार चंद्रमान विश्वकर्मा से ग्राम के ही शुक्राम यादव ने सिलेंडर मांगा तो चौकीदार ने दोबारा खाली सिलेंडर किताब और पैसे लाने के लिए कहा, जिस पर शुक्राम यादव ने चौकीदार के साथ मारपीट करते हुए और गैस सिलेंडर के गोदाम में आग लगाने का प्रयास किया। वहीं चौकीदार चंद्रभान विश्वकर्मा को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। चौकीदार ने पलेरा थाने में आकर मामला दर्ज कराया, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। चंद्रभान विश्वकर्मा, ये इंडियन गैस एजेंसी गोदाम पे क्या क्या हुआ? ऐसा हुआ कि जी आया हमारे पास, हम गाड़ी लूट कर रही थी। कौन आया? शुक्राम यादव। तुम लूट कर रहे थे, बोले उधर नीचे लाठ मारूंगा,
साले अंदर बम उड़ा दूंगा। इसके बाद हमने भाई साहब यार गाड़ी लाद लेने या बाहर गए हैं, आदमी आए प्यासी हैं, भूखे हैं, प्यासी हैं। बोले नहीं 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 उतरने से उतरने से सारे इतने लट मारेंगे चलानी पड़ेगा। बोले तो वहाँ पहुँचा, उसने सिलेंडर पटका और माचिस बोले जलाने लगा, आगे लगाने लगा, बोले बम उड़ा देंगे बम उड़ा देंगे। इसके बाद फिर हमें मालूम उसने तान लिया नीचे, तान के फिर वहाँ जीना झटकी गई हमारी। जिला प्रशासन के द्वारा सरकारी समितियों पर किसानों के गेहूं उपार्जन खरीदी की जा रही है, जिसको लेकर केंद्र कृषक सेवा सहकारी समिति बमोरी कला के द्वारा सिमरा खुर्द के किसानों के द्वारा अभी तक 10,000 क्विंटल से अधिक गेहूं उपार्जन किसानों के द्वारा प्रशासन के निर्देश के नियम अनुसार किया जा चुका है और यहां पर आने जाने वाले प्रत्येक किसान के उपार्जन केंद्र पर पहुँचते ही पहले हाथ सैनिटाइजर करवाए जाते हैं, उसके बाद किसान उनकी उपाधि की तौल अधिकारियों की निगरानी में की जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश में यह पहला खरीदी केंद्र देखने को मिला है, जहां पर प्रशासन अधिकारियों के द्वारा 5 सदस्य टीम अपनी देखरेख में गेहूं उपार्जन केंद्रों पर अधिकारियों की निगरानी में किया जा रहा है, जबकि अन्य केंद्रों पर अधिकारी तैनात है। क्या है व्यवस्था आपकी केंद्र की? व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, हर केंद्र पे 3-3 छन्ने हैं, व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, किसान स्वयं अपना ट्रॉली लेते हैं, छानते हैं और अपना छान के माल लाते हैं सब लोग। यहाँ पे जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि पैसा लिया जा रहा है, कोई अब पैसा किसी से लिया जाता है? यहाँ पर नोडल भी ऑलरेडी रहते हैं, पटवारी साहब भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, नाब तहसीलदार साहब भी आते हैं, आरआई साहब भी आते हैं, डेली सब लोग आते हैं, किसी से एक भी किसान से 1 रुपया नहीं लिया जाता है किसी भी प्रकार से। सेवा की व्यवस्था क्या है यहाँ? पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था लगातार लगी हुई है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था लगाई ताकि किसानों की कोई समस्या ना आए। अभी ऐसी कोई समस्या नहीं ना किसानों के द्वारा मुझे बताया गया है, मैं ऐसा देखने आया था, यहाँ कोई अव्यवस्था तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे फिलहाल तो। किसी किसान ने शिकायत की क्या? मेरे पास अभी किसी शिकायत किसान की कोई शिकायत नहीं आई है ना ही कुछ, किसान लोग भी आए हैं, आप चाहे तो उनसे ही पूछ सकते हो, उन्हें कोई समस्या हो तो बताएं हमें, हम यहीं खड़े हैं। पत्ते हैं आप यहाँ? आरे यू के पत्ते हम यहाँ पर रखते हैं, नोडल के पत्ते यहाँ पर रखते हैं, सिमरा वाली केंद्र पे आप हैं, उस पर क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी? सब सारी व्यवस्थाएं शासन की निर्देश अनुसार सभी व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं।